बहुत ही सत्कार योग विद्यार्थी साथियों, पंजाबी पत्रकारिता के खेत्र के अजीत प्रकाशन समूह के वलों कितनी उच्ची ते सुची सेवा की गई है। ये मेरा ख्याल है भी कोई भी अणजाण नहीं, असी सारे जानते हैं। डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द होरां जी की अगवाई के अजीत प्रकाशन समूह ने समय के हाणी बनदियां हर तरह की मंजिल नूं सर किया हैगा। तो अजीत वैब टीवी जदों तो शुरू होया, देश दुनिया दे विच सोशल मीडिया दे विच अजीत वैब टीवी की चर्चा भी लगातार अगे तो अगे वध रही है। अज सानू इस गल की बड़ी खुशी हैगी है कि जो अजीत स्टूडियो भी ये है, कम आडिटोरीयम भी है। इत्थे पंजाब दे समाजिक सरोकारां दे नाल व्यवस्था होर जिहड़े वख-वख मसलियां दे उत्ते चर्चा जिहड़ी वो माणक साहब दे वल्लों अजीत प्रकाशन समूह दे वल्लों कोशिश की जाया करेगी कि वह समय समय के उत्ते उलीकी जाए। अज इस स्टूडियो कम आडिटोरीयम की शुरुआत भी है ते पंजाब दे वातावरण के उत्ते असी चिंतन करन दे लई, असी फिकर ते जिक्र करन दे लई अज असी इत्थे इकट्ठे होए हाँ। असी धन्नवादी हाँ सारे विद्यार्थी साथियों के जिहड़े कि दुआबा कॉलेज के पत्रकारी विभाग के नाल संबंधित ने, सिटी इंस्टीट्यूट के नाल जुड़े हुए विद्यार्थी ने। मैडम सिमरन सिद्धू जी के धन्नवादी हाँ जिन्होंने अपने विद्यार्थियों का इत्थे आ के साडे प्रोग्राम की जिहड़ी आ ओह जान पाई आ, माण वधाया हैगा। तो अज का विशा जिवें मैं पहलां गल की आ कि वातावरण के नाल असी व्यवस्था गल्लां करनियां ने। विधानसभा दीआं चोणां सिर दे उत्ते आईआं ने, सियासी पार्टियां ने की कुछ कीता अपने चोण मैनीफेस्टो दे विच, वातावरण का किन्ना क जिक्र छिड़ना चाहिए, किन्ना क इहदा फिक्र करना चाहिए, तो सानू अपने तौर दे उत्ते किहो जिहे यतन करने चाहिए ने, इहदे बाबत असी अपने माहिरां तों जानकारियां लवांगे। साढ़े दरम्यान पंजाबी साथ लांबड़ा दे संचालक डॉक्टर निर्मल सिंह जी पहुँचे ने, असी उहनां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हाँ। इन्हों के वलों साहित सभ्याचार ते वातावरण के खेत्र के बहुत वड्डा योगदान पाया गया। पंजाबी साथ लांबड़ा दियां बहुत सारियां शाखावां विदेशां दे विच भी ने, ते उत्थे भी कार्यशील ने इन्हां दी जिहड़ी जथेबंदी, इन्हां दी संस्था दे जिहड़े मैंबर ने बहुत सरगर्म ने। तो इन्हां दा एक प्रकाशन समूह भी है जिन्हां दे वलों बहुत उत्तम किताबां जिहड़ियां प्रकाशित कीतियां जांदियां। नाल बैठे ने संत बलवीर सिंह सीचेवाल जी, उन्हां दे बाबत मेरा ख्याल है कि कुछ बोलना सूरज के मूहरे दीवा रखने वाली गल है। उन्होंने पद्म श्री पुरस्कार है जिहड़ा हुणे ऐलान किया गया, तो मेरी निजी राय आ कि इन्हों पद्म श्री ऐलान करन दे नाल इस सन्मान का रुतबा होर उच्चा होया। तो मैं चाहुंदा कि इन्हां दे कोलों भी असी जानकारियां लईए कि इन्हां ने वातावरण के संदर्भ दे विच किवें किवें ते किहो जे उपराले किए ने। उन्हां दे नाल ने साडे वीर कमलजीत सिंह हेर होरी, कुदरती खेती दे नाल जुड़े हुए ने, ते किस तरीके दे नाल कुदरती खेती करनी चाहीदी है, कुदरती खेती दे की लाभ ने, की इहदे विच औकड़ा ने, की प्राप्तियां ने, इहदे बाबत जानकारी देणगे। इन्हां माहिरां तों विचार लैण तों पहलां मैं श्री सतनाम सिंह जी माणक जिहड़े कि अदारा अजीत दे कार्यकारी संपादक ने, इस सारे समागम दे रूहे रवां ने, उहनां नूं बेनती करांगा कि बुके दे के पहलां साडे मेहमान साथियों का स्वागत किया जाए। जी आया नूं सीचेवाल साहब, असी तुहाडे बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, तुहाडे कोलों बड़ा कुछ सीखण नूं मिलिया। डॉक्टर निर्मल सिंह जी होरां नूं बुके भेट करदे हुए माणक साहब, तो कमलजीत सिंह हेयर जी जिन्हां दे वल्लों कुदरती खेती दे विच बड़ा वड्डा योगदान पाया गया, उन्हां नूं बुके भेट करदे हुए। दोस्तों, असी इस समागम नूं दो पड़ावां दे विच वंडिया होया। पहलां तां माणक साहब दे वल्लों साडे माहिरां दे कोलों विचार जाणे जाणगे, चर्चा होएगी वातावरण दे विशे दे उत्ते। तो उस तो बाद असी ये चाहांगे कि तुसीं भी जिहड़े विद्यार्थी साथी हो वो अपने सवाल करो साडे माहिरां नूं, क्योंकि तुसीं पंजाब दी साडे देश दी रीढ़ दी हड्डी हो। तुसीं कईआं ने पहली बार अपनी वोट दा जिहड़ा इस्तेमाल करना होना, कईआं ने इस तो पहलां भी कीता, तुहाडे नवें ख्यालां दी असी कदर करदे हां। पहलां मैं माणक साहब नूं बेनती करांगा कि वह इस समागम का संचालन करन, साडे माहिरां दे नाल गल्लबात दा सिलसिला शुरू करन। कार्जो संत बलवीर सिंह जी सीचेवाल जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, कमलजीत सिंह हेयर जी, तो दुआबा कॉलेज तो जर्नलिज़म डिपार्टमेंट की मुखी सिमरन जी, सारे विद्यार्थी साथियों, तुहाडा अजीत विच अजीत दे इस आडिटोरीयम विच असी तुहाडा स्वागत करते हैं। अज असी इस आडिटोरीयम विच पहला जिहड़ा समागम करन जा रहे हैं, पंजाब दियां चोणां दे संदर्भ विच, पंजाब दे चोण मुद्दे दे अनवान हेठ ये पहला असी प्रोग्राम
कर रहे हैं और इस प्रोग्राम विच तुसीं शिरकत करन आए हैं साडे कोल, असीं तुहाडा तहे दिलों स्वागत करते हैं अदारा अजीत वालों। डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदाद जी दी ते साडी चीफ एग्जैक्टिव सरविंदर कौर जी ते सीनियर एग्जैक्टिव गुरजोत कौर होरां दी इच्छा सी कि अजीत दे विच जिहड़ा असीं पंजाब दे जिहड़े भखदे मुद्दे आ उहनां नूं उभारन लई कुछ ना कुछ यतन करिए। इस सिलसिले विच ही जिहड़ा इह ऑडिटोरियम बनाया गया ते इस सिलसिले विच ही असीं अज दा जिहड़ा प्रोग्राम इकन जा रहे हां। सो सब तो पहला 10-10 मिनट लई साडे विद्वान ये जिहड़े इन्हां मुद्दियां ते वातावरण के मुद्दे ते अपने विचार रखणगे, वो तो बाद विद्यार्थी तुसीं आजादी नाल आपो अपने सवाल मन च बना लो, वो फिर जिहड़े भी स्पीकर हैगे आ इत्थे बोलणगे उहनां तों तुसीं सवाल पुछ सकदे आ ते माइक जिहड़ा तुहाडे कोल मुहैया कीता जाएगा। सब तो पहला मैं बेनती करांगा डॉक्टर निर्मल सिंह उहनां नूं कि पंजाब दे वातावरण संकट बारे वो की सोचदे आ, वो अपनी गल साडे नाल सांझी करन। सारों तों पहलों तो मैं संत बाबा बलवीर सिंह जी दी अज उत्थे साडे शामिल आ जिहड़ा उहनां नूं माण मिलिया है, बाबा बलवीर सिंह दा माण नहीं। अज साडा मसला है वातावरण दा, वातावरण नूं कल्ले पंजाब नूं तोड़ के नहीं देख सकते, यह भारत दा पाकिस्तान दा सारिआं दा मसला है, पर नाल दी नाल यह उपर सिखर तक दुनिया दी जिहड़ियां वड्डियां संस्थावां ने जी उहनां दे नाल संबंधित बाबा जी अक्सर उत्थे जांदे रहिंदे ने, यह उहनां वास्ते भी है। पर ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ ਨਿਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1952 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਮਾਨਕੋਰਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉਠਾਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 30 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਲਕਾ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ 250 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਫੰਗੀਸਾਈਡ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਉੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਨ 1965-70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਮਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਮਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਬਵੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਈ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧੂੰਆਂ ਭੇਜਤਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ
जिहड़ी साडी खुराक है उहदे उत्ते किन्ना भैड़ा असर होया। ज्यों ज्यों कैमिकल्स की साडी खुराक की लड़ी दे विच आमद हुई आ त्यों त्यों साडियां सेहतां खराब हो जाने। सेहत दे विच हुण पंजाब च 1960 दे विच किन्ने कु शूगर दे मरीज़ सी, किन्ना कु कैंसर सी, किन्ने कु दमे दे मरीज़ सी, किन्ने कु साह वालियां होर बीमारियां दे मरीज़ सी, फेफड़िआं दे किन्नियां दे गुर्दे खराब हुंदे सी, किन्नियां नूं काला पीलिया दूजा तीजा नां जिहड़े रख लैंदे ने उह हुंदा सी। लगभग 160 किलोमीटर लंबी वेई आ, उहदे च जिहड़ा वगदा पाणी सीगा लोकां ने मल्ली होई सी उह पाणी सारे दा सारा हुण उहनां दा TDS जिहड़ा हैगा वो साडे नलकियां दे साडियां मोटरां दे पाणी नालों घटिया वेईंदा। उहनूं इन्ना पवित्र कर दित्ता, इन्ना पाक कर दित्ता, पर इहदे बावजूद जिहड़े साडे मतलब सियासतदान सी, साडे समाज वाले सी, साडे धार्मिक रहिबर सी, उहनां ने इहदे वल बहुता ध्यान नहीं दित्ता। तो हुण उस वेई दे विच मॉडल नाल की होया ये बाबा जी दसणगे। मैं इहनां वाली गल नहीं करदा वी किवें उत्थे पंछी मुड़े, किवें उत्थे मच्छियां जल जीव मुड़े, किस तरह उत्थे जिहड़ा अल्टरनेटिव पाणी दा प्रबंध ते इहनां ने कीता उहदे नाल हेठला जमीनदोज पाणी सीगा उहनां दी सतह किवें उपर उठी। हुण इह सारियां गल्लां अमली तौर दे उत्ते मैं तुहानूं पहलां तां इह बेनती करनी आ, जिथे भी तुसीं हैगे हो मैडम तुहाडे नाल आए ने, एक दिन जाके सीचेवाल सुल्तानपुर देख के आओ आपां किवें जीवांगे। एक होर कहावत है वी राजिआं ने राज करना हुंदा ते लोकां ने जीउणा हुंदा। हुण भी जिहड़े इलैक्शनां 'ते जिहड़े पोलीटिकल बंदे खड़े ने, जिहड़ियां सियासी पार्टियां, वो अपनी पार्टी दे वध तों वध बंदे जिताउण वल उहनां दा जोर लगा होया। बंदे किवें जित्तण, भावें उह पैसे नाल जित्तण, भावें उह गुंडागर्दी नाल जित्तण, भावें उह कुट मार के करके जित्तण, भावें उह लोकां नूं इहो जिहे छोटे छोटे छणकणे दे के वी तुसीं आह कर देंगे वो कर देंगे इन्नियां नौकरियां उहदे नाल जित लैण। पर उदण तों बाद जदों गद्दी 'ते काबज़ हो गए फिर वह मैं विस्तार से नहीं जाता फिर वो की करते हैं। तो जो उन्होंने किया हों तो पंजाब की हालत यह नहीं होनी। हूँ कल ही आप 68वां दिन बना के हटे गणतंत्र, 98वें दिन चौथे जिन्नी मर्जी डींगा मारी जाए पर हकीकत जमीनी पद्धर से जिनी माड़ी आ वो सानू सारे वास्ते साड़ी अखा खोलन वाली है। सो मैं अंत में तुहानू फिर बेनती करूँगा, अजीत वालों का मैं धन्यवाद करूँगा भी योजे गंभीर मुद्दे इन्होंने केंद्र च लिया के तुहाडे सामने रखे है। तो तुसी भी जे सवाल तो सानू जिन्ने मर्जी कर लो पर कल्ले सवाल जवाब का, क्योंकि अजकल एक भी तरीका ना जिहड़े अकैडमिक लोग ने जिन्होंने आप बुद्धिजीवी कहने वो चुंझ चर्चा कर लेंदे आ, वो फिर कहंदे मैं दूजे की मैं खल लाती उत्थे पर विचों कुछ भी नहीं निकलता तो उहदा कोई फायदा नहीं। इहो जिहा काम करो जिहदे नाल अमली तौर पर कोई सिट्टे निकलन। इन्ना कहंदा होया मैं अपने वल्लों पंजाबी साथ दीआं सारीआं इकाइआं वल्लों अजीत समूह दा ते तुहाडा सारिआं दा बाबा जी दा फिर उन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। तुम मैनू भी समान दिता है क्योंकि असं तो बिल्कुल हेठली पद्धर से काम करते हैं, असं उपर नहीं है, वीडियो भी घट ही हाँ पर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। डॉक्टर निर्मल सिंह होर ने बहुत ही संवेदनशील ढंग तुहाडे सामने जिहड़ा अज का मसला रखिया कि किस तरह जिहड़ा कुदरती स्रोतों का जिहड़ा प्रदूषण है, पानी का, धरती का, हवा का साडे जीवन नूं प्रभावित कर रहा, तो किस तरह लोग जिहड़े पंजाब दे बीमारियां दा शिकार हो रहे हैं। तो गल इत्थों तक पहुँच गई है कि अगे जिहड़ी आ जिहड़े पंजाब दे विच अगली पीढ़ी आ उहदे च नमर्दगी जिहड़ी आ उह जिहड़े बच्चे पैदा ना कर सकण दी जिहड़ी दा एक ऊणताई जिहड़ी आ उह पैदा हुंदी जा रही है। ये विकास सानू कित्थे लै जाएगा, किन्ना ये गंभीर मुद्दा आ और किन्नियां इस मामले च राजनीतिक पार्टियां लापरवाह आ, इहदे बारे तुहाडे नाल गलबात कीती आ। हुण मैं बेनती करदा संत बलवीर सिंह सीचेवाल जी नूं कि वह इस सारे मसले नूं वातावरण के मसले नूं किवें देखदे आ, वह अपने विचार पेश करन। पंजाब की धरती, पंजां दरियावां की धरती दा पाणियां दा मुक जाणा, पाणियां दा सुक जाणा, पाणियां दा 100 फुट थले चल जाणा, इहदा कोई ये कुदरती करोपी नहीं साडे ते होई, ये साडी मिस मैनेजमेंट आ। असीं इहनूं मिस मैनेजमेंट तों वध कुछ नहीं गिणदे क्योंकि जिहड़ा उहदे विच की करन वाला जां की हुण तक नहीं कर पाए तुसीं सुण के हैरान होवोगे। पिंडां ते शहरां दा गंदा पाणी ते सॉलिड वेस्ट, ये तिन्ने चीज़ां जिहड़ियां हैगियां इंडस्ट्री वेस्टेज, यही पोल्यूशन का मेन कारण आ। पिंडां दी वेस्टेज, शहरां दी वेस्टेज, साडे अमृत वर्गे दरिया ए ग्रेड पाणी सतलुज दे विच आ रहा, उत्तों ग्लेशियर खुर के आउंदा, ए ग्रेड पाणी ब्यास दे विच आ रहा, उत्तों ए ग्रेड पाणी रावी च आ रहा। सो उत्तों ग्लेशियर खुर दे जिहड़ा पाणी आ उहदे उत्ते कोई विज्ञानक भी उंगली नहीं कर सकता,
ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਹਿ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਸਟ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਡਰੇਨ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਡਰੇਨ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਟੋਂਗ ਢਾਬ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਡਰੇਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਡਰੇਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਏ, 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 20% ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਰ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 2000 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ, ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵੇਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਲੰਧਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਝਾਕਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਹੋਏ ਵੇਈ 'ਚ ਬਣਗੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਵੇਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਲ ਬਖਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਏ, ਉਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਦੀਆਂ 3 ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਚੇ ਮਾਡਲ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ। ਅਸੀਂ 96 ਤੋਂ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਖਾਦ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹਲ ਆਪ ਹੱਥੀ ਵਾਹਿਆ,
सानू पता सुहागा किदां देईदा, सानू पता कणक किदां वड्डी दी है, सानू पता फले किदां वगदे हुंदे। इन्हां चीज़ां तों असीं बिल्कुल धरती दे नाल जुड़े, सानू उस सारे चीज़ नूं देखिआ। वह जिहड़ी साडी अज तल तों 50 साल पहलां खेती हुंदी सी, वह ऑरगैनिक खेती हुंदी सी। वह कहड़ी सी? साडी मनुखा वेस्ट ते पशुआं दी वेस्ट, वह सारी दी सारी खेतां 'च जांदी सी ते खेती हुंदी सी। हुण जदों साडे कोल आधुनिक, जिस तरह नवें युग 'च आए, डॉक्टर साहब उन्होंने दस्सिआ, वह साडी जिहड़ी कुदरती साड़ी जिहड़ी हैगी आ खाद आ, वह सारी दी सारी ड्रेना 'च जाती है, दरियावां 'च जाती है, वह अगे जा के स्लो पॉइजन बनती है। वह 70% बीमारियां पानी नाल लगदियां, वह पानी गंदे होकर मालवा राजस्थान तिकर जिहड़े हैगे दुआबे तो लैके वह बीमारियां पैदा कर रहे। साडा ये कि इहदा जिहड़ा पानी दा एक बदल, कोई भी समस्या बड़ी, हर समस्या जिहड़ी गंभीर हुंदी है जे जे उहदे वल ना सोचो, तो जे हर समस्या का हल हुंदा 100%, हाँ हो सकता साडे वित्त अनुसार असीं उहदा ना कर सकीए, हो सकता कि असीं साडे को जिहड़ा हैगा करन दी समर्था ना होवे, पर कोई भी गल इस युग दे विच असंभव नहीं, जिहड़ी हो सकदी उह करनी चाहीदी है। तुहाडे सामने मुफ्त मिलण वाला पानी अज सानू 25 रुपये लीटर मिलता, किसे पार्टी ने मुद्दा चुकिया, किसे लीडर ने मुद्दा चुकिया भी पानी महंगा हो गया? कदे सुनी गल किसी ने सुनी है भी कोई मुद्दा किसी ने उठाया भी पानी महंगा हो गया? कणक महंगी होवे, जिमीदार नाले पालदा वा, किन्ना चिर उहनू करदा वा, तो फिर भी उहदा किन्ना 16 रुपये झोना विकदा 16-18 नूं, ते पानी कढ के बोतल च पा के 25 रुपये बेची जांदे। ये सारा कुछ रलिया होया, पानी गंदे तां वा कि पानी वेचण वालियां फैक्ट्रियां चलणगियां। ये ना कहो भी इन्हां नूं जिहड़ियां बाबा जी गल तकनीकां दिंदे, तकनीकां नहीं पता, सारे मार, क्योंकि पानी गंदे होणगे तो पानी विकणगे। अगे सानू लोड़ ही नहीं सी फिल्टर वाला पानी पीण दी, जिथे नलका गेड़ो पानी। तो अज भी असीं कहिंदे आ 1974 का एक्ट लागू हो जाए, साल के अंदर अंदर सारे दरियावां का बिना टेस्ट कीते पानी पीण योग हो जूगा, क्योंकि पानी जो वगूगा इन्हें अपने आप नदियां दरियावां नूं साफ करन दी लोड़ नहीं। इहनूं जिहड़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं, गंदे पानी पा रहे हैं, कूड़ा छड्ड रहे हैं, छिटना बंद कर दिओ। असीं कहिंदे नैचुरल, कोई बाबिआं दी लोड़ नहीं पऊगा, अपने आप पानी साफ होणगे। असीं तुहानूं सारिआं नूं स्टूडेंट नूं बेनती करदे आ, टीचर सबानां नूं, अज जागरूकता दी लोड़ आ। तुसीं वोट जिहनूं पाउणी आ उहनूं टणका के पाओ, पाओ जिहनूं मर्जी, वातावरण दा मुठा मुख मुद्दा बनाओ, नशे मुख मुद्दा, जिन्हें जवानी नूं खत्म करी जांदे आ, उहदे नाल नाल एजुकेशन बहुत वड्डा मुद्दा। साडे प्राइमरी स्कूल जिहड़े आ बिल्कुल विहले पए आ, बहुत कुछ जिहड़े साडे मुद्दे आ, हर मुद्दे नूं उभारो। पर असीं कहिंदे ग्रीन पंजाब, क्लीन पंजाब, जिहड़ा 1919 तिकर गुरु नानक पातशाह दे अवतार पुरब तिकर सानू ग्रीन पंजाब देवे, क्लीन पंजाब देवे, असीं उहनूं वोट पावांगे। उहदे वास्ते मुद्दे नूं जदों तुसीं उभारोंगे ते फिर अपने आप जिहड़ी कर करके चल जाओ। बहुत बहुत असीं आप सब दा धन्नवाद करदे हां, सानू खुशी आ कि साडे जिहड़ा देश दा भविख, साडे नौजवान जिहड़े है उह इस वास्ते तैयार होए। असीं आप सारिआं नूं वधाई दिंदे हां कि जो वातावरण बचाउण वास्ते, पाणियां बचाउण वास्ते लगातार 90 तो लै के, जिस तरह राहां तो गल करके बहुत बेअंत गुरसंगतां ने योगदान पाया, अज उहदे उत्ते जिहड़ी है भारत सरकार ने मोहर लाई है। लोकां ने तो पहलों ही लाती सी, राष्ट्रपति ला चुके सी, इह भी जिहड़े हैगे आ मान सम्मान भी कई वार देने पैंदे आ कुदरत वाले वल्लों। सो असी उन्हां सरकार दा भी धन्नवाद करदे हां, ते असी ये माण सम्मान उन्हां लोकां नूं दिंदे हां जिन्हां ने कई लै के हर तरह दे नाल, कलम दे नाल, पैसे दे नाल, तन मन धन दे नाल, चाहे अपने विचारां दे नाल हिस्सा पाया, ये उन्हां दा माण सम्मान आ। ये माण सम्मान धन धन गुरु नानक पातशाह दा, जिन्हां ने सानूं ये उपदेश दिता, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, आओ बचाउण वास्ते गुरु नानक पातशाह दे उस बाणी ते अमल करिए, बाणी दे दसे होए राह दे उत्ते चलीए, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शुक्रिया संत बलवीर सिंह जी सीचेवाल जी ने बहुत ही भावपूर्ण सार्थक विचार तुहाडे नाल सांझे कीते आ। मैं तो डॉक्टर निर्मल सिंह होरां नाल कई बार गल करदा हुंना कि जे संत सीचेवाल वर्गे 10 संत पंजाब च होण ते पंजाब च बहुत वड्डी तब्दीली आ सकदी है, सानू सारिआं नूं बनना चाहीदा। ते जां असीं बेनती करिए कि सीचेवाल जी अपने 10 के इस तरह दे चेले जिहड़े पैदा करदे, सारिआं नूं बना सकदे आ, सारे फॉलो करदे तां कि जिहड़े इस तरह दे जनतक महत्व दे मुद्दे आ उह जिहड़े राजनीतिक पार्टियां दे सरकारां दे एजेंडे ते आण, पंजाब एक बेहतर जीवन वाली थां जिहड़ी आ आउण वाली पीढ़ी लई बन सके। हुण मैं बेनती कर रहा कमलजीत सिंह हेयर जिहड़े कि
कुदरती खेती करवा रहा है, कुदरती खेती दे मुद्दे किमें देखते हैं कि कुदरती असी देखिया कि सनतां जिहड़ियां चलदियां अपना गंदा पानी जिहड़ियां नदियां नालियां च पाउंदियां और जिहड़ा धुआं जिहड़ा चिमनिया राही वह बिना साफ कीतिया वातावरण च छड़दियां उहदे नाल किस तरह के मसले पैदा होंदे आ। असी मनुख ने जीवन लई खेती भी करनी है, सनतां भी चलानियां, होर कारोबार भी करने हैं, पर करने इस ढंग नाल कि उहदे नाल जिहड़े साडे कुदरती स्रोत है, पानी आ, हवा आ, ते साडी धरती आ जिहड़ी खुराक पैदा करदी आ, उह प्रदूषित ना होवे, जहरीली ना होवे। इस संदर्भ च कमलजीत सिंह हेर की सोचदे आ खेती दे बारे, खेतीबाड़ी दे संदर्भ च उह अपने विचार तुहाडे नाल सांझे करनगे 10 मिनट लई। जी हुण खेती दी गल करिए, खेती पंजाब एक जिहड़ी स्टेट हैगी है, इह खेती प्रधान सूबा हैगा, तां पंजाब दे विच जे पंजाब की खेती की पद्धति, खेती का ढंग, तरीका, मैथड वो सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनगियां, प्रॉब्लम्स क्रिएट होनगियां। जां आपां दूसरे शब्दों के कह रही है जी कि साड़ी मनुखी जिंदगी दे विच, मनुखी जिंदगी नाल संबंधित किसी भी पहलू दे विच कोई भी समस्या पैदा होंदी है तां उहदा आधार, उहदी जड़ किते ना किते जाके खेती नाल जरूर जुड़दी है। वह समस्या चाहे साढ़े किसी भी पहलू नाल, साढ़े राजनीतिक पहलू नाल, साढ़े धार्मिक पहलू नाल, साढ़े समाजिक पहलू नाल जुड़ी होवे, साढ़े वातावरण नाल जुड़ी होवे, उहदा किते ना किते जे पंजाब दे कॉन्टेक्सट दे विच गल करदे आ, पंजाब दे संदर्भ दे विच गल करदे आ, तां उहदा किते ना किते जाके उहदी प्रॉब्लम दा जड़ उह खेती नाल जुड़ी हुई होगी। हुण खेती नाल जुड़ी हुई जिहड़ी अज दी प्रॉब्लम हैगी आ, वातावरण एनवायरमेंट दा इशू हैगा, इहदी जड़ खेती नाल किवें जुड़ी हुई है, इहदे ते आपां अज गल करदे हैगे। खेती नूं डिफाइन किया जाए तो खेती नूं मुढ़ले तौर पर तीन भागों के तीन मैथड हैगे आ, खेती दे विधियां, पद्धति खेती दियां जो मैं अपने हिसाब नाल सोचदा, होर ज़्यादा हैगियां लेकिन मुढ़ले तौर पर तीन हैगियां। नंबर एक खेती जिहड़ी हैगी है वह रसायनिक खेती, जिहनूं कन्वेंशनल फार्मिंग भी कह सकते हैं, कैमिकल फार्मिंग भी कह सकते हैं, जो अज प्रैवेलेंट है साडे समाज दे विच चल रही है, साडे पंजाब दे विच चल रही है रसायनिक खेती। नंबर दो खेती हैगी है जैविक खेती, जिहनूं असीं ऑरगैनिक फार्मिंग कह लैंदे हां। नंबर तीन है कुदरती खेती, जिहनूं असीं नैचुरल फार्मिंग कहिंदे आ। कोई भी खेती की पद्धति है, एक पौधा हैगा, एक कणक का पौधा हैगा, चाहे एक अनार का पौधा, जामुन का पौधा हैगा, उहनूं खुराक चाहीदी है, पौधे नूं खुराक चाहीदी है। रसायनिक खेती दे विच की करदे आ कि असीं उह खुराक बाहर तों दिंदे आ, यूरिया DAP दे रूप दे विच। जेकर उह पौधा बीमार हो जांदा तां दैन असीं उहदे ते पेस्टीसाइड्स पाउने हैगे, कैमिकल्स पाउने हां उहनूं ठीक करन वास्ते। इह रसायनिक विधि है खेती दी। सैकेंड जिहड़ी विधि है वह है ऑरगैनिक फार्मिंग, जैविक खेती कह दें, जिहड़े तुसीं बाहर निकलदे हो तां कोई नैट हाउस लगे हुंदे आ जां बायोफर्टिलाइजर कंपनियां दी आउंदियां, वो जिहड़ी ऑरगैनिक फार्मिंग हैगी है। ऑरगैनिक फार्मिंग दे विच वी पौधे नूं खुराक चाहीदी है, वह खुराक असीं बाहर तों दिंदे आ बायोफर्टिलाइजर दे रूप दे विच, बायोपेस्टीसाइड दे रूप दे विच। वह कहा यही जांदा हैगा कि यह पेस्टीसाइड कैमिकल नहीं हैगा, यह बायोफर्टिलाइजर हैगियां, तां जदों कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुंदी है, कोई पेस्ट आउंदा उहनां ते, तां उहदे वास्ते बायोफेस्टीसाइड परवरती जांदी है। इह सैकेंड तरीका हैगा जिहदे विच वी असीं खाद बाहर तों दिंदे आ। तीसरा खेती की पद्धति है जिहड़ा तरीका है वह है नैचुरल फार्मिंग, कुदरती खेती। कुदरती खेती दे विच वी हुण पौधे नूं खुराक चाहीदी है, एक पौधे नूं जिंक भी चाहीदी है, उहनूं सल्फर भी चाहीदा है। कैमिकल खेती दे विच बाहर तों पाता, ऑरगैनिक खेती च बाहर तों पाता, कुदरती खेती च कित्थों आऊगा। कुदरती खेती दे विच उह जिहड़ी खुराक हैगी है उह सानूं सॉयल तों मिलदी है, जमीन तों मिलदी है। असीं सॉयल नूं इन्ना हैल्दी कर लैंदे आ, असीं जमीन नूं अपना इन्ना हैल्दी कर लैंदे आ कि जो तत् पौधे नूं चाहीदे है वह सानूं जमीन दे विच्चों ही मिल जांदे आ। जमीन नूं हैल्दी किवें करदे आ, उहदे दो तीन तरीके हैगे आ। नंबर एक ते जिन्नी भी क्रॉप रेजिड्यू आ, फसलां दी रहिंद खूंद आ, उहनूं सारी नूं जमीन दे विच मिलाउंदे आ। सैकेंडली असीं कोई खेत दे विच अग नहीं लगाउंदे। थर्ड जिहड़ा हैगा मेन जिहड़ा हैगा क्रॉप रोटेशन, फसली चक्कर। फसली चक्कर कुदरत दे विच ऐसियां फसलां हैगियां जो फसलां जिवें कुछ फसलां जमीन नूं ताकत दिंदियां, कुछ ताकत लैंदियां। असीं क्रॉप रोटेशन इस टाइप दा रखदे हैगे कि एक फसल दे नाल जमीन नूं ताकत मिले, जे अगली फसल ने जमीन चों ताकत लैणी है तां पहली फसल उह बीजदे जिहड़ी जमीन नूं ताकत देऊगी। इस तरह कुदरती खेती जिहड़ी हैगी है उहदे विच असीं बाहर तों कुछ नहीं पाउणा। इह खेती दीआं तिन पद्धतियां हैगियां। हुण मैं थोड़ा जिहा होर इहनूं डिटेल च जाना चाहूँगा कि जिहड़ी प्रेजेंट साडी खेती दी पद्धति है रसायनिक खेती जां कन्वेंशनल खेती, इह पद्धति स्वदेशी खेती नहीं है, इह साडी टैक्नीक नहीं है, इह विदेशी टैक्नीक हैगी है। ते विज्ञान ते टैक्नोलॉजी नूं की डिफाइन किवें कीता जा सकदा कि साइंस ते टैक्नोलॉजी दो सैपरेट चीज़ां हैगियां। साइंस हमेशा यूनीवर्सल हुंदी है, जे लॉ ऑफ ग्रैविटी अमेरिका दे विच आ तो इत्थे भी हैगा,
लेकिन टेक्नोलॉजी कैसी है, टेक्नोलॉजी हमेशा रीजनल होंगी है, खेतरी होंगी है, तुहाडे इलाके की होंगी है। तो टेक्नोलॉजी के दो आधार होंगे है, उसका प्रिंसीपल होंगे कि टेक्नोलॉजी हमेशा बेस्ड होंगी है अवेलेबिलिटी ते नेसेसिटी। तुहाडे कोल की है ते तुहानू चाहिए की है, जो तुहाडे कोल है ते दो जो तुहानू चाहिए उन्हों कन्वर्ट करना है, असी जो चाहिए वो असी प्राप्त करना, जो साढ़े कोल है वो जिहड़ा तरीका है वो टेक्नोलॉजी है। तो असी की होया कि असी पंजाब दे विच असी जां इंडिया दे विच कह लिए असी टेक्नोलॉजी नू यूनीवर्सल समझ बैठे, असी वो टेक्नोलॉजी जिहड़ी विदेशां दी टेक्नोलॉजी सी असी उन्हों इत्थे एप्लीकेबल करता, यही टेक्नोलॉजी असी खेती दे विच लाती, खेती दे विच जिहड़ी सीगी इह टेक्नोलॉजी साढ़े फिट नहीं बैठी, साढ़े कोल जो अवेलेबल सी असी उन्हों नहीं वरत्या। जिवें अवेलेबिलिटी ते नेसेसिटी की गल करिए, साढ़े कोल अवेलेबल जो चीज़ा हैगियां वो असी उन्हां नू वरत्या नहीं हैगा। जिवें साढ़े कोल जे अवेलेबल ते नेसेसिटी की गल करिए, जिहड़ा दुध का पैकेट हैगा ड्राई पाउडर का पैकेट दुध का, वो साड़ी अवेलेबिलिटी साढ़े कोल दुध दी सी, नेसेसिटी साड़ी है नहीं सी, असी वो कर लिया। तो जां असी गल करिए कि जो पेट्रोल ते चलदा एक मोटरसाइकिल है, साढ़े कोल अवेलेबिलिटी है नहीं सी, सानू नेसेसिटी सीगी मोटरसाइकिल ते साना जाना साड़ी नेसेसिटी सी, लेकिन साढ़े कोल पेट्रोल की अवेलेबिलिटी है नहीं सी, साढ़े कोल पेट्रोल है नहीं सी, इत्थे की हल हो सकता सी कि असी जिहड़ी सीगी सोलर के उपर बैटरी के चलण वाला मोटरसाइकिल तैयार कर दे, क्योंकि साढ़े कोल अवेलेबिलिटी सी, सोलर लाइट साढ़े कोल सी, लेकिन असी नहीं किया, असी टेक्नोलॉजी अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब नाल डिजाइन नहीं की, तैयार नहीं की, असी टेक्नोलॉजी बगानी टेक्नोलॉजी को चक के इतने एप्लीकेबल करता, सो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हुण जिहड़ी कुदरती खेती हैगी है, जे एनवायरमेंट की प्रॉब्लम होंदी हैगी है, तो इहदे लई सोल्यूशन कुदरती खेती किवें है। जेकर कुदरती खेती की गल करिए, कुदरती खेती तो रसायनिक खेती के मुढ़ले तौर पर जिहड़ा फर्क हैगा वह है कि कुदरती खेती एक मल्टीक्रॉपिंग सिस्टम है, बहु फसली प्रणाली है। रसायनिक खेती जिहड़ी हैगी है ये मोनोकल्चर है, रसायनिक खेती दे विच सिर्फ झोना झोने कणक का फसली चक्कर हैगा। रसायनिक खेती दे विच असी झोना कणक बहुत पैदा कर लिया, लेकिन असी की होया कि साढ़े कोल बाकी चीज़ों की घाट आ गई, साढ़े कोल सारियां दालां असी बाहर तो मंगाउने आ, सारे असी तेल बाहर तो मंगाउने आ, मसाले असी बाहर तो मंगाउने आ। जेकर कुदरती खेती की गल करिए, एक यूनिट मान लीए, मैं अपने पिंड यूनिट मान ला, मेरा एक पिंड हैगा सोनगढ़ रत्ते वाला, मेरे पिंड दे विच जेकर 2000 एकड़ रकबा है मेरे पिंड दा, तां मेरे पिंड दी जेकर पापूलेशन 2000 पापूलेशन है मेरे पिंड दी, तां मैं हार्डली 500 एकड़ तो जिहड़ा हैगा अपने पिंड दीआं सारियां जरूरतां पूरियां कर सकदा, उहदे मसाले, उहदे आटा, दालां, फ्रूट सब कुछ। हुण तुहाडे मन दे विच सवाल आउंदा होऊगा, जी केला कित्थों पूरा कर दोगे तुसीं पंजाब दे विच, तां मैं दावे नाल कह सकदा कि पंजाब दे विच पंजाब कुदरत ने सानूं ऐसा चीज़ां बख्शियां होईयां कि शायद दुनिया दे बहुत विरले मुल्कां नूं जां बहुत थोड़े खित्यां नूं चीज़ां बख्शियां होणगियां जिहड़ी कुदरत ने सानूं बख्शियां। ऐसा माहौल, ऐसा इनवायरमेंट सानूं कुदरत ने दित्ता होया कि इत्थे 100 किस्म दीआं फसलां हो सकदियां, 100 किस्म दीआं फसलां। सो कैमिकल फार्मिंग ने साडा समाजिक ताणा बाणा विगाड़ के रखता, सारियां प्रॉब्लम क्रिएट होईयां, इह सारियां रसायनिक खेती तों प्रॉब्लम क्रिएट होईयां। कुदरती खेती इको एक हल है पंजाब दा, सारिया समस्यावां दा हल है। जिहड़े इहदे नाल एनवायरमेंट नाल जुड़ी गल हैगी, जेकर असी सारिया चीज़ा पिंड दे विच मैं गल कर रहा सी, विचों गल मेरी रस्ते विच रह गई कि मेरे पिंड दा 2000 एकड़ रकबा है, 500 तो मैनू सारे पिंड नू रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बाकी 1500 तो असी जिहड़ा सरप्लस फूड हैगा वो असी शहर नू दे सकदे हां। शहर नू फूड जिहड़ा मेरा नेड़े मुक्तसर शहर हैगा, असी अपने मुक्तसर शहर नू 1500 एकड़ दा फूड जिहड़ा हैगा वो दे सकदे हां। तां इहदे नाल की होऊगा कि ट्रांसपोर्टेशन ते जिन्नी साडी एनर्जी वेस्ट हुंदी है वो रुक जूगी। अज की हैगा कि ट्रकां दे ट्रक आलू दे भरे इत्थों तुरे जांदे हैगे पंजाब तों बाहर, ट्रकां दे ट्रक भरे सब्जी दे हिमाचल तों साडे आ रहे हैगे, इत्थों ट्रकां दे ट्रक भर के रेल गड्डियां झोना कणक साडा बाहर चलिया जांदा है, वो असी जिहड़ा हैगा तेल बाहरों मंगाई जांदे, कितनी ट्रांसपोर्टेशन ते साडी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये मिसमैनेजमेंट है सारी। जेकर पंजाब दे विच कुदरती खेती का मॉडल अपलाई किया जाता है, सारी रिक्वायरमेंट साडी इत्थों ही पूरी हो जानी है। सो मेरी तो मैं काफ़ी आपदे लैवल से साडा एक NGO हैगा खेती विरासत मिशन, उहदे नाल असी जुड़े हुए किसान हैगे हैं, तो असी अपने पद्धर के उत्ते काफ़ी जोर ला रहे हैगे हैं, सोशल मीडिया के उत्ते, फेसबुक के उत्ते लिखते रहने हैं कि कुदरती खेती ही इको एक हल है जो पंजाब नूं बचा सकता है। सरकारां ते इहदे ते कोई बड़ी दुख नाल कहना पै रहा हैगा कि सारियां पोलिटिकल पार्टियां दे विचों किसी ने भी बड़ा जोर दे के इह गल नहीं कही कि कुदरती खेती पंजाब दे विच मुख्य खेती होनी चाहीदी है। सो अज दे जिहड़ा प्रोग्राम सीगा इहदे विच बहुत वधिया एक इशू कीता सिलेक्ट कीता गया, इसलिए मैं आप सब का धन्नवादी हाँ आपने मैनूं सुनिया।
कमलजीत सिंघेर जी, असीं तुहाडे बहुत धन्नवादी हाँ, तुसीं मुक्तसर तों इत्थे आए हाँ इस मकसद लई ते आ के अपने विचार साडे नाल सांझे कीते आ। हुण जिहड़ा अगला प्रोग्राम का हिस्सा उहदे च इह आ कि विद्यार्थी जिहड़े बैठे आ जर्नलिज़म दे जिहड़े सिटी इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉलेज तों ग्रुप तों आए ने, दुआबा कॉलेज तों आए ने, ये तुसीं जिहड़े भी आ विचार सुन के विद्वानां दे तुहाडे मन च प्रश्न पैदा होए आ वो तुसीं खड़े हो के अपनी सीट ते वो तुसीं खड़े हो सकते हैं, माइक तुहाडे कोल आएगा, अपना सवाल तुसीं कर सकते हैं, अपनी संस्था का ना अपना नाम दसना, अपनी संस्था का नाम दसना, तो जिस विद्वान तो तुसीं सवाल पूछना चाहते हैं उहदा नाम दसना, तो अगली ये सारी कार्रवाई साडे नौजवान जर्नलिस्ट जिहड़े असवंत सिंह टाणा चलाणगे। शुक्रिया। जिस तरीके दे नाल इन्हां ने अपने विचार रखे ने कि पंजाब नूं पंजाबीयत नूं किहड़ियां किहड़ियां चुनौतियां ने, किहो जिहे मुद्दे होने चाहिए आ, उन्हां मुद्दियां नूं उभारना साडा सब दा फर्ज़ हैगा। तो मैं बेनती करूँगा सारे विद्यार्थी साथियों नूं कि तुसीं वध तों वध सवाल करो इन्हां माहिरां नूं तां जो कुछ सीखण नूं मिले, तुहाडे सवालों के जवाब इन्हां माहिरां दे वल्लों दित्ते जाण। तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत की जाए सवालों की, तो हथ खड़ा अपना कर लो जी, तो मैं उत्थे हाज़र हो जाऊँगा। अपना नाम ते अपने कॉलेज दा नाम दस देना प्लीज। मेरा नाम जैसमिन कौर है, मैं दुआबा कॉलेज तो जर्नलिज़म डिपार्टमेंट की विद्यार्थी हाँ। तो मेरा सवाल निर्मल सर नाल है कि इन्होंने गल की सी कि 1965-70 तो बाद साडा सेहत दा जो सीगा वो डिगन लग पिया, तो उस तो बाद ही मैं पूछना चाहवांगी कि तकनीकी हुई नवी तो नवी पेस्टिसाइड्स कैमिकल आए और विकास वल पंजाब अगे वध्या, कि ये विकास साडे सेहत लई हानिकारक बनिया कि साडा अग्गे वधना नवीआं फैसिलिटीज़ वल जाणा और नवी साइंस दीआं चीज़ां नूं अपनाना ही साडे लई हानिकारक बन गया जिन्ने साडे सेहत नूं थल्ले लिआ है। बेटे विकास तो होना ही हुंदा, कुदरत दे विच बदलाव आउणा ही आउणा हुंदा, पर विकास दे दो तरीके हुंदे ने, एक यकदम आउंदा है, एक सहज नाल आउंदा है। जिहड़ा सहज नाल विकास आउंदा है वह कुदरत दे नाल भी इक सुर होया हुंदा है ते उह समाज दे नाल भी इक सुर हो के चलदा है। 1965 का जिक्र किया, 1965 इतने पंजाब दे विच हरा इनकलाब जिन्हों कहिंदे वो आया सी, असीं तां अखीं देखिया उदों, जिवें मैं जिक्र किया सी लंबा नहीं सी कर सके, पंजाबियों की सेहत हुण नालों कई गुणा बेहतर सी, थोड़ियां जिहियां बीमारियां सी। हुण इस विकास ने सानूं की किया, सारिआं नूं वड्डी मार साडीआं सेहतां नूं पई, साडा वातावरण जे विगड़ गया उहदे नाल साडीआं सेहतां प्रभावित होईआं। उदों बाद उस विकास दे माडल ने सानूं किरत नालों तोड़ दित्ता, अपना पंजाबियों का एक फलसफा है किरत करनी, वंड छकना, तो फिर उस परमात्मा का अकाल पुरख का शुक्र करना। हुण तेरे वाली गल मैं गांह तोरा थोड़ी जी, 1965 दे विच नवें बी आए से झोने का भी कणक का भी, तुहानू नहीं पता, असी उह देखिया उपज बड़ी वध गई। जदों उपज बड़ी वध गई फिर उन्होंने गल बड़ी समाल दी कमाल दी कीतीआं ने, इन्हां ने भई वह उपज वधण दे नाल असी तां कुदरत का शुकराना करना सीगा ते असी सिख सियाणे बनना सी, पर साडी मत मारी गई। हुण जे हुण पंजाब दे विच इन्नियां खुदकशियां किसानी खेत्र च कदी नहीं सी होईआं जिन्नियां हुण हो रहीआं ने, जो हरे इनकलाब ने साडी काया कल्प करनी हुंदी फिर नहीं सी होणी। अपने पंजाब च बीमारियां दी जिहड़ी हुण साढ़ सती आई हुई आ इह नहीं सी होणी। फिर करके इस विकास दे विच नुक्स ने, उहनां नुक्सां नूं छांट के कुदरत नाल इक सुर हो के तुहाडे वर्गे बच्चिआं नूं नाल लै के समझदारी दी पद्धर दे उत्ते जिहड़ियां बाहरों कोई भी तजर्बा आउंदा है, मिसाल दे तौर ते आ फोन आपणे कोल, हुण जदों दा ये आया तो न्याणियां दा राबता ही टुट गया घर दे नालों भी, वो तुहाडे कोल कोई परौणा आउंदा घरे साडे नाल गल्लां करी जांदा, साडा बच्चा कोल ही बैठा हुंदा, पता ही नहीं असीं की गल्लां करदे आ, हां ते फिर उहदे इन्ने कु फ्रेंड बन गया, इन्ने कु कमेंट दिंदे आ, हालांकि उहदी कोई सार्थकता नहीं, ना ही उहनां ते असीं असर कर सकदे आ। सो इह संखेप च है। मेरा सवाल संत बलबीर सिंह जी लई है। तुसीं जिक्र कीता सी भी दो नहरां दे नाल असीं जलंधर नूं पाणी दे सकदे आ, सबमर्सिबल पंपां दा सानूं लोड नहीं पैणी। सवाल यह उठता है कि वो जड़ियाँ नहरां ने गां खेतां तक जाना है, हुण मेरा ख्याल उन्होंने नक्शे जड़े ने इरीगेशन डिपार्टमेंट के नक्शियां च ही रह गए ने, नहरां दे उत्ते पक्कियां सड़कां ते घर बन गए ने, कि यह किसी तरह भी सरकार कोले मसला गया कि ये दोबारा नहरां वेखणियां चाहीदियां, उलीकणियां चाहीदियां, साफ करनियां चाहीदियां कि खेतों तक पहुँच जाए पानी। उहदा इही है कि हजे तिकर सानू साडे घरां च मोटरां लग गईआं, साडे खेतां च मोटरां लग गईआं, साडा पानी थल्लों निकली आउंदा, असीं गल क्यों करिए, क्योंकि सानू 100 फुट तो मिलन डिया हजे, असीं उहनां दी नहरां दी गल क्यों करिए, क्योंकि असीं इन्हां मुद्दिआं प्रति जागरूक नहीं, सानू पता नहीं साडे नाल हो की रहा। दुआबे दा पानी असीं बाहरले पानी दी गल करदे हां,
ਜਿਹੜਾ 100 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਿਆ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ 14 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸੀ ਅੱਜ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 13.5 ਸੁੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਕੌਣ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਬੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਬੇਈ 'ਚ 200 ਕੁਛਕ ਪਾਣੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਡਿਲੂਟ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਠਾਊਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਠਾਓਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਦਾ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹਰ ਸੱਦ 'ਚ ਮੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣਾਓ ਲੜ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਪਾਉਂਗੇ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਰਫਾਨ ਹੈ सर जैसे भी हम बोलते हैं चाहे कॉरपोरेट्स हों जिनने पूरा होल्ड किया है या गवर्नमेंट्स हों हम कह रहे हैं कि वही इनका बैग बुने ने पुट कर रहे हैं जो जिस तरह से भी हमारी खेती हो रही है वो इसको आगे नहीं जाने देंगे जैसे चाहे नेचुरल हो या कुछ हो क्योंकि कॉरपोरेट्स हैं तो फिर इसका हमारे पास हल क्या है क्योंकि NGOs जो है वो तो इसको कर्ब कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से आगे तो बढ़ने नहीं देना है FCR तो वैसे उन्होंने कैंसिल कर दी तो फिर इसका और क्या समाधान हो सकता है क्योंकि हमेशा हम अगर सिर्फ ये कहें कि रेवोल्यूशन हम थ्रू दी ऐसे मीटिंग से या ये तो फिर ये कहाँ तक जा सकते हैं
ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਰ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਾਂਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੱਲ ਬਣੂਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੱਲ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਹੱਲ ਅਸੀਂ 100% ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੇਸ ਹੈਗਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, 2-3 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਸਸ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਘੱਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆ ਜੋ ਲੱਭਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਮਲ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਲਾਂਬੜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰ ਲਾਂਬੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫੂਡ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਉਸ ਫੂਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਦਾ। ਥਰਡ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਕ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਮਨ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਲਦੀ 'ਚ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸੋਇਲ ਅਸੀਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ 30-32 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਪਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
तो बाहर तो एक इंसान बैठ के कंपोजिशन करता है कि पौधे को आयरन इन्नी चाहिए, जिंक इन्नी चाहिए, ये कंपोजिशन इंसान नहीं कर सकता, कुदरत कर सकती है। जो तो असीं बाहर तो देवे तो कोई चीज़ ज़्यादा पै जूगी, घट पै जूगी, जो ज़्यादा पाती उन्हें किसी होर एलीमेंट को डेफिशेंट करता तो वो साड़ी सॉयल हैगी इमबैलेंसड होगी। इमबैलेंसड सॉयल के उगया होया पौधा भी इमबैलेंसड होगा, उन्होंने जोड़ा फ्रूट लगेगा जोड़ा फूड के रूप साढ़े आऊगा वो भी इमबैलेंसड होगा। सो साडे जोड़ा फूड हैगा इस तरीके दे नाल माल न्यूट्रीशन वध रही है, डे बाय डे वध रही है। तो यह अवेयरनैस नाल जुड़िया होया मुद्दा हैगा, असीं लोगों को एजुकेट करते हैं। हुण असीं मुक्तसर दे विच अपनी जो प्रोड्यूस हैगी, असीं दो तीन साथी हैगे हैं, असीं रल के उहदी जो पैदा करते हैगे हैं वह सारा असी सारी किचन की रिक्वायरमेंट असी उत्थे मुक्तसर साडा सेल पॉइंट हैगा उहदे ते पहले दसंबर दे विच उहदी ओपनिंग कीती सीगी। पहले साल पहले महीने उहदी 73,000 दी सीगी समथिंग कुछ फिगर उहदी, हुण असी जिहड़ी हैगी उम्मीद हैगी है जनवरी दे विच लख क्रॉस कर जाएंगे। लोगों को एजुकेट करांगे, जो लोगों को पता लगू फिर पता नहीं हैगा ना ये मुद्दे नूं कौन उगारूगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल सिंह जी होरां दा, संत बलवीर सिंह सीचेवाल जी का, कमलजीत सिंह हेयर का, सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस का, दुआबा कॉलेज का, सिमरन सिद्धू होरां दा, विशाल जी का जिहड़े कि सिटी कॉलेज के विद्यार्थियों नूं लैके आए, सारिया का अजीत वालों मैं धन्यवाद करदा। बाकी जिहड़े मुद्दे कुछ उठे है उहदे बारे च मैं अपनी राय तुहानूं देनी चाहना कि इत्थों ये गल उभरी है कि सानू एक लोक पक्षी ते कुदरत पक्षी विकास मॉडल की लोड़ है। जिहड़ा समाजवाद का एक तजर्बा दुनिया ते होया जिहदा केंद्र सोवियत यूनियन सीगा, ते एक जिहड़ा पूंजीवाद विकास मॉडल का तजर्बा होया जिहदा केंद्र किसी समय यूरोप सीगा, बरतानिया सीगा, ते उहदे बाद अमरीका बन गया। तो एक हुण ये दोने मॉडल है जिहड़े नुकसदार आ और फेल हो रहे हैं, तो इस करके हुण तीजे जिहड़े विकास मॉडल की लोड़ आ जिहड़ा कि हर देश ने अपना बनाना अपने मसलियां दे हल लई, अपने लोगों की खुशहाली लई, उन्हां नूं बेहतर जीवन देण लई, उन्हां नूं निरोग सेहत देण लई, ते हर वड्डे देश ने अपना विकास मॉडल बनाना, ते हर वड्डे देश दे अंदर हर स्टेट ने अपना विकास मॉडल बनाना अपने मनुखी वसीलिया के मुताबिक, अपने कुदरती वसीलिया के मुताबिक। तो यह सारा कुछ ता होगा जे तुहाडे कोल आधुनिक साइंस ते टेक्नोलॉजी दे नाल नाल तुहाडे कोल रवायती साइंस ते रवायती टेक्नोलॉजी ते रवायती विजडम जिहड़ी आ ओह साडियां नवीं पीढ़ियां कोल जाएगी। बिल्कुल, ये जिहड़ियां चीज़ां निर्मल सिंह उन्होंने दसियां, संत सीचेवाल जी ने दसियां, कमलजीत हेयर ने दसियां कि साडे अनपढ़ किसान जाणदे सीगे कि खेती 'च विभिन्नता होनी चाहिए आ, एक दो फसलां नहीं बीजनिया चाहिए, ज़्यादा फसलां बीजनिया चाहिए, पता नहीं किस फसल का समा लगना वो कहिंदे सीगे। पहलां दी कैमिकल खेती तो पहलां दी जिहड़ी खेती सी वह विभिन्नता वाली सी, कणक झोने के फसली चक्कर तक सीमित नहीं सी। उहदे विच नवीं टेक्नोलॉजी, आधुनिक साइंस, आधुनिक एजुकेशन की भी लोड़ हुंदी आ, नाल नाल ट्रडिशनल विजडम की लोड़ हुंदी आ, जिहड़ियां पुरानियां चीज़ां रैलेवेंट है अजे तक लाभदायक है उन्हां नूं अगे लैके जाना हुंदा, तो वह अगे ले जा के तां जा सकदे आ, क्योंकि रोटी रोजी कमाण लई तुसीं दुनिया भर दीआं जबानां भी सिखो पर तुहानूं अपनी जबान आनी चाहीदी है। जिस खिते तुसीं रहिंदे आ ओह जबान तुहानूं लिखणी पढ़नी ते बोलणी आनी चाहीदी आ, उत्ते तुहानूं माण होना चाहीदा। अगर तुसीं ये रवायती नॉलेज लैणा चाहुंदे आ जिहड़ी हज़ारां सालां दी साडी ग्रंथां च पई आ, हज़ारां सालां तो साडे साहित च पई आ, साडियां लोक बोलियां च पई आ, साडियां लोक कहावतां च पई आ विजडम, वह विजडम अगे जाएगी जिहड़ी मॉडर्न एजुकेशन तुसीं यूनीवर्सिटियां कॉलेजां च लै रहे आ, उहदा समेल होएगा, फिर एक संतुलित जिहड़ा विकास मॉडल का जन्म होएगा जिहदे नाल साडा पंजाब भी ते साडा देश भी अगे जा सकदा। अगे इन्ने विद्यार्थी ने गल कीती सी कि जिहदे कोल पैसे है नहीं गए वह की करे, जे मैं तुहानूं कुछ मिसालां देवां तां उहदा अर्थ यह नहीं लैणा कि पढ़न लिखण का कोई महत्व नहीं है। जे मैं मिसालां देवां, फ्रांस के अंदर एक चरवाहे ने जिहड़ा भेडां चारदा सीगा, एक बहुत वड्डा इलाका जिथों क सरकारां ने खाणा पुट के बेआबाद करता, जंगल कटते, उहदी खुदाई करके जिहड़ियां नदियां नाले उत्थे वगदे सी उहनूं उजाड़ बियाबान करता, वह इलाका मार दिता, उत्थे कोई जांदा नहीं सीगा। एक चरवाहा जिहड़ा उत्थे भेडां चारन जांदा सी जिहड़ी माड़ी मोटी घाह किते उगदी होई, उहदे मन च आया कि इस धरती नूं मैं मुड़ के हरी भरी करना। उसने भेडां चारन दे नाल नाल थोड़ा बहुता पानी लै लैके उस एरिए बूटे लगाने शुरू करते, और एक लिटरेचर इंटरनेट ते भी तुहानूं चीज़ां मिल जाणगियां। बूटे लांदिया लांदिया पूरे खिते च उहने बूटे लाते, पानी पा पा के, ते जदों बूटे वड्डे हो गए, दरख्त बन गए,
उस एरिए बारिश भी बढ़ गई, उस एरिए जिहड़े नदियां नाले किसी वेले खत्म हो गए से वह भी मुड़ के वापस आ गए। एक अनपढ़ चरवाहा जे किसी खेते की किस्मत बदल सकता तो तुसी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पैसे दुनिया के अंदर आइडियाज़ जिहड़े विचार है वह मैटर करते हैं। जिहदे कोल आइडिया जिहदे कोल विचार है वह साधन इकट्ठे कर लैंदा, पैसा साधना दे विच आउंदा। जिहदे कोल नॉलेज है, जिहदे कोल जांच है, जिहदे कोल समझ है, जिहदी कमिटमेंट है, उहदे कोल जे कुछ भी नहीं हैगा तो वह बहुत कुछ हासिल कर सकता। संत सीचेवाल की मिसाल है, निर्मल सिंह होरां की मिसाल है। असीं मंग यही करते हैं कि सानू दूजियां जबाना भी पानियां चाहीदियां पर अपनी जबान पंजाब दे हर बच्चे नूं आनी चाहीदी है। सो ये जे आपां रल के यतन करिए, जे साडे कोल आइडियाज़ है, जे साडे कोल विचार है, जे साडे कोल कमिटमेंट है, पैसे भी आ जाणगे, लोग भी आ जाणगे। फैसला कर लो कि आह खेत्र मैं चुनिया, इहदे च मैं काम करना, कुदरत ने मेरी ये ड्यूटी लाई है। अगर इस तरह की कमिटमेंट अपने अंदर पैदा करिए तो एक खेत्र चुन के उत्ते सारी एनर्जी वो आप ला दीए, आप जिंदगी सफल कर सकते हैं, अपने लोगों को बेहतर जीवन जांच दे सकते हैं। इस ही विचार नाल मैं तुहाडा सारिआं दा एक बार फिर धन्नवाद करदा।